नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। रीवा नगर निगम का कचरा स्टोर शहर के हृदय स्थल पर बनाया गया है, जो विभिन्न तरह की बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। कोविड काल झेलने वाले रीवा को किसी बड़ी बीमारी की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि शिल्पी प्लाजा मानस भवन के पास सोमवारी बाजार लगाई जाती है, साथ ही इसी स्थान पर खुले में कचरा स्टोर बनाया गया है, जहां पूरे शहर का अपशिष्ट पदार्थ एकत्र किया जा रहा है। इसकी बदबू से जहां सोमवारी बाजार में छोटी छोटी दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं ग्राहक भी नहीं पहुंचते। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मानस भवन में आए दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहाँ भी अपशिष्ट पदार्थ की गंदगी से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ अमहिया थाना, दूसरी तरफ मानस भवन, तो तीसरी तरफ बाजार और चौथी तरफ रिहायशी आवास। ऐसे में खुले में कचरा स्टोर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने कहा कि नगर निगम की भारी लापरवाही है, जो शिल्पी प्लाजा और मानस भवन के बीच खुले में कचरा एकत्र कर रहा है, जो कई बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने चर्चा कर सुधार करने की बात कही है। नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश चौराहे में सोमवारी बाजार रीवा में स्थित है। अब वो मार्केट कई वर्षों से मानस भवन के बगल में शिफ्ट किया गया कर दिया गया है। वहाँ पे कचरा प्लांट है, वो कचरा इकट्ठा होता है शहर का, और कहा जाए तो खुले में पूरे कचरा निकलते हैं और गंदगी रहती है। जब दुकान मार्केट वहाँ शिफ्ट की गई तो नीचे कंक्रीट नहीं किया गया। बरसात का मौसम है, दुकानदार काफ़ी परेशान है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी है, काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ कचरा प्लांट से भी उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसका देखिए, रीवा ज़िले के शिल्पी प्लाजा के मानस भवन के बीच में जो रीवा शहर का मुख्य बाज़ार है, मुख्य एरिया है, जहां समूचे रीवा ज़िले के, चाहे वो न्यायालय परिसर है, न्यायालय लोग आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, व्यवसाय के लिए आते हैं, अपने दैनंदिन जीवन के लिए आते हैं, यानी आप कहिए कि रीवा शहर का ये मार्केट है शिल्पी प्लाजा, शिल्पी प्लाजा के बगल में मानस भवन है। मानस भवन के 10 मीटर की परिधि के अंतर्गत में ही एक बड़ा कचरा प्लांट है। रीवा शहर के अंदर चारों तरफ से आबादियों का क्षेत्र है, उसी परिक्षेत्र में कचरा प्लांट खुले में लगाया गया है। पूरे रीवा जिले का जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी चीज़ें कचरे संबंधित हैं, इतनी बदबू है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एक ही जगह मानस भवन के बगल में, आए दिन मानस भवन में कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर वर्तमान में छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, उनको व्यापार के लिए मानस भवन के बगल में चारों तरफ शिफ्ट कर दिए गए, जिसको हम रीवा में सोमवारी बाजार के नाम से रीवा में चर्चित है। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, लघु व्यापारी जो वहां पर आके अपना व्यवसाय, और रीवा शहर के, रीवा ज़िले के तमाम ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों से लोग आते हैं और वहीं अपना व्यवसाय करते हैं या लेन देन करके जाते हैं। वहीं पर महज 10 मीटर की परिधि पर कचरा प्लांट बनाया गया। नगर निगम प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? अभी कोविड के समय हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि ऐसे जगहों पर विशेष तौर से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जहां प्रदूषण ना हो, प्रदूषण फैले ना। प्रदूषण के कारण ये कोविड जैसी बीमारियाँ भी फैलती हैं, होती हैं, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट का के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी है। और नगर निगम प्रशासन को ये सोचना भी चाहिए कि यहाँ पर खुलेआम आप प्रदूषण फैलाते हैं, आपके ट्रक आते हैं, बड़े बड़े भारी वाहन ट्रक आते हैं, वहाँ लोडिंग करते हैं, वहाँ कचरा लोड भी करते हैं, कचरा रखते भी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ कचरा रखने के लिए कोई आपने ठोस प्रबंधन व्यवस्था आपने नहीं बनाई है, वहाँ पर सोमवारी बाजार लग रही है। रीवा शहर के मुख्य बाजार है, रीवा शहर के लोग वहीं से आना जाना, काले चौराहे से कई मार्गों को जोड़ता है, जहाँ से हम अमहिया की निकासी होती है, शिल्पी प्लाजा आते हैं, काले चौराहे से सिरमौर चौराहा जाते हैं, तो कई जगह आना जाना है मुख्य बाजार की तरह। वहाँ मुख्य बाजार में अपशिष्ट खुले में फेंका गया है, जो पूर्णता नियम विरुद्ध है। इस कचरे को डैम के रूप में स्टापेज करना चाहिए, जहाँ चारों तरफ के एरिया घेराबंदी होनी चाहिए, 25 फीट की दीवार होनी चाहिए चारों तरफ। वहाँ से मक्खियों के कारण इतना प्रदूषण है, वहाँ लोग व्यापार कर रहे हैं, खाने पीने के व्यवसाय भी हो रहे हैं, लोग इधर उधर के व्यवसाय कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप रीवा शहर की जनता को जहर बेच रहे हैं, रीवा शहर की जनता को बीमारी दे रहे हैं, रीवा शहर की जनता को खुलेआम
बीमारी के लिए आप स्वागत कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो ऐसी क्यों व्यवस्थाएं निर्मित कर रहे हैं जिससे रीवा जिले के लोगों को प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण मिल रहा है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही। तो हम आपसे आपके माध्यम से अपेक्षा कर रहे हैं कि रीवा शहर में इस प्रकार का प्रदूषण, यदि रीवा विकास के योजना पर आप बार बार कह रहे हैं कि रीवा विकसित हो रहा है, रीवा आगे बढ़ रहा है, तो रीवा को विकसित करने के लिए पहला पायदान ये है कि यदि स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी जनता स्वस्थ रहेगी, तब ना हम आगे कुछ कर पाएंगे। आज परिस्थिति है कि रीवा शहर के मध्य मार्ग में, मध्य जगह में आपने प्रदूषण फैलाने का काम किया और वहाँ से बड़ी बड़ी बीमारी फैलती है, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव भी वो कचरे को खुले में पड़े होने के कारण खाते हैं, आप खुले ट्रकों में ला लेके आते हैं, वहाँ प्रदूषण पूरे शहरों में, रीवा शहर के इतना बदबू भरा ट्रक आता है और रीवा शहर से चारों तरफ से निकासी होती है, बस स्टैंड से होते हुए, काले चौराहे से होते हुए, सिरमौर चौराहे से होते हुए, अमैया से होते हुए, चारों तरफ की आबादी के क्षेत्र में ये होना भी नहीं चाहिए। ये निश्चित तौर से प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। यदि प्रदूषण विभाग से इसकी अनुशी लेनी चाहिए कि आपको आबादी के क्षेत्र में क्या परमिशन है आपकी, तो निश्चित तौर से ये नियम विरुद्ध है और मानवीय दृष्टिकोण से भी नियम विरुद्ध है, सामाजिक दृष्टिकोण से नियम विरुद्ध है, ये प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। नगर निगम प्रशासन को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई, यहाँ से उठाव की कार्रवाई, और यहाँ पर जो प्रदूषण है, मानस भवन बगल में, मानस भवन में आए दिन भगवत गीता होती है, लोग भोजन वगैरह इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था करते, वहीं से मक्खियाँ, वहीं से प्रदूषण फैल रहा है, आए दिन वहीं कार्यक्रम हो रहे हैं, ये क्या व्यवस्था है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अंदर एक मार्केट लगता है सोमवारी बाजार करके, वहीं पे कचरा प्लांट है, वहाँ के जो व्यापारी हैं काफ़ी परेशान है, गंदगी से पूरा बरसात भी है, मांग है मैडम कि वहाँ मरू में सही व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को आना जाना बरसात में नहीं पड़े। कि बारिश में इस तरीके की सुविधा होती है, हम एक बार नगर निगम से ये परीक्षण भी करा लेते हैं कि सोमवारिया बाजार काफ़ी लंबे समय से लगता है, तो उसकी व्यवस्थित जगह वहाँ पर तैयार कर ली जाए और उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे।